एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता गोयल इस वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब्सक्राइबर के साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, तभी नोटिफिकेशन आएगी आपके पास। स्टार्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूँ लुक वाइज, तो जो मेरी फर्स्ट इमेज थी, जो मैंने यहाँ पे इमेज दिखा रखी है, इस टाइप का ही होता है। डेबिट कार्ड भी और क्रेडिट कार्ड भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी जो सिमिलर है, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क है, क्या उसके यूजेस में क्या फ़र्क है, डेबिट कार्ड देखते हैं। डेबिट कार्ड क्या है, आपका एक बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक में, चाहे आप SBI ले लो या पंजाब ले लो, कोई सा भी आप बैंक ले लो, उसमें आपका एक अकाउंट है। अकाउंट में आपके पास कितने जितने पैसे हैं, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, और बैंक अकाउंट किसका है, आपका SBI का, ठीक है। SBI का बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, 10,000 रुपये। तो मैं कहीं भी अपना डेबिट कार्ड यूज़ करूँगी तो मैं खाली 10,000 तक ही कुछ चीज़ परचेज कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं परचेज नहीं कर सकती। एक तरह से हम उसको बोल सकते हैं कि मेरी लिमिट है, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में अभी खाली 10,000 रुपीज़ ही हैं, तो मैं उतना ही उसको खर्च कर सकती हूँ। तो डेफिनेशन देखें, एनी टाइम यू यूज़ अ डेबिट कार्ड बट समथिंग मनी इज डिडक्टिव फ्रॉम योर अकाउंट विथ अ डेबिट कार्ड, यू कैन रियली ओनली स्पेंड द मनी यू हैव अवेलेबल टू यू। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जो पर्सन है उसके पास पैसे नहीं है और वो बैंक से पैसे लेने जाता है, मतलब उधार पे पैसे लेता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब पर्सन के पास पैसे नहीं है फिर बैंक उसको क्यों पैसा देगा, तब बैंक को पता है कि वो पैसे रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो बैंक लोन देने से पहले कस्टमर का क्रेडिबिलिटी चेक करता है। क्रेडिबिलिटी चेक में क्या होता है कि पर्सन मेरे को एबल है कि वो मुझे प्रिंसिपल भी दे दे और साथ में इंटरेस्ट भी दे दे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी में। अब क्रेडिट कार्ड्स आर लाइन ऑफ क्रेडिट, व्हेन यू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड द इश्यूअर पुट मनी टुवर्ड्स द ट्रांजेक्शन, दिस इज़ अ लोन यू हैव एक्सपेक्टेड टू पे बैक इन फुल यूजुअली विद इन 30 डेज एंड अनलेस यू वॉन्ट टू चार्ज इंटरेस्ट। क्या होता है, अब हमारे क्रेडिट कार्ड शॉपिंग के लिए भी हैं, वही है, आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम पर, आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करा, आपने अभी आपको शॉपिंग करनी थी, आपने कर ली और आपने विद इन 30 डेज आपने बैंक को वो पैसे दे दिए। अब क्या होता है, हमने शॉपिंग कर ली, उस टाइम हमने बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, बट 30 डेज में हम पेमेंट नहीं कर पाए बैंक को, तो बैंक उसमें क्या लगाता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब पहले तो वो महीने का इंटरेस्ट देते ही हो, अगर बाय चांस आपकी पेमेंट जो है 30 डेज के बाद ही, तो उसका अलग इंटरेस्ट होता है। तो इस टाइप का मेथड क्या होता है, या इस टाइप का प्रोसेस किस में चलता है आपका क्रेडिट कार्ड में, कि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बैंक से पैसे ले लेते हो और बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी देखकर एक लिमिट सेट कर देता है कि आपको 1 लाख तक की लिमिट बनाता है या 2 लाख की लिमिट बनाता है, मतलब आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके खाली 1 लाख तक रुपये खर्च कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप की आपकी लिमिट बन गई, क्रेडिबिलिटी चेक करके आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल गया, और जो ये प्रोसेस होता है क्रेडिट कार्ड का, विद इन द 2 to 3 डेज में आपका सारा वेरीफाई हो जाता है, आपका कार्ड इशू हो जाता है बैंक से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये हमारा 30 डेज में उसको यूजुअली पेमेंट करनी पड़ती है, और अगर हम बाई चांस रह जाते तो हम उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप बैंक से उधार ले रहे हो, पर डेबिट कार्ड में क्या था, जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं आप उतना ही यूज़ कर पाते हो, जो आपके अपने पैसे हैं, कोई उधार नहीं है तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि आप बैंक से उधार तो ले ही नहीं रहे। नेक्स्ट है कनेक्टेड टू, नॉट रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड टू चेकिंग अकाउंट, बट डेबिट कार्ड में क्या है, आपका सेविंग अकाउंट होगा या चेकिंग अकाउंट होगा, सेविंग होगा आपका या आप कह सकते हो करंट अकाउंट होगा, इस टाइप का क्या होता है आपका डेबिट कार्ड में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, डिफ़िकल्ट है आपका, डिपेंडिंग ऑन वन स्कोर एंड अदर डिटेल्स, जो आपको क्रेडिबिलिटी होती है उस चीज़ की बात हो रही है, कि ऐसा नहीं है सबको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, आपका स्कोर जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड होता है, पर डेबिट कार्ड में वो इजिली मिल जाता है, कोई बैरियर नहीं होता, क्योंकि जितना बैंक में अपना पैसा डालोगे आप उतना यूज़ कर रहे हो, पर क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको कुछ टाइम के लिए अपना पैसा उधार दे रही है,
स्पेंडिंग लिमिट द क्रेडिट लिमिट बाय द क्रेडिट कार्ड इश्यूअर सेट बाय द क्रेडिट कार्ड इश्यूअर लिमिट इंक्रीज और स्टे द सेम ओवर टाइम एज बोरोअर क्रेडिबिलिटी नेस चेंज सॉरी। तो इसमें क्या है, अगर अभी आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है 1 लाख रुपए है और आपने बहुत अच्छा से बैंक के पे कर दी हैं सारे ड्यूज जितने भी थे, आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बैंक आपको वो क्रेडिट स्कोर देकर आपकी थोड़ी लिमिट बढ़ा देता है। पहले आपकी 50,000 होती है, फिर आपकी वो 1 लाख कर देता है। पर डेबिट कार्ड की बात करी जाए तो जितना आपने बैंक में पैसा डालोगे उतना ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। हाउएवर मच इज इट इन द बैंक अकाउंट कनेक्टेड टू द कार्ड, आज 10,000 रुपये हैं तो 10,000 तो यूज़ कर सकते हो, 20,000 रुपये तो 20,000 तो यूज़ कर सकते हो। किस में है ये, डेबिट कार्ड में। और क्रेडिट कार्ड में आपका जो लिमिट है वो बढ़ती रहती है अगर आप बैंक के सारे ड्यूज इंटरेस्ट एक टाइम टू टाइम पे करते रहते हो। इंटरेस्ट चार्ज लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, पहले देखेंगे क्रेडिट कार्ड का। इफ अ क्रेडिट कार्ड बिल इज नॉट पेड इन फुल इंटरेस्ट इज चार्ज टू आउटस्टैंडिंग बैलेंस द इंटरेस्ट रेट यूजुअली वेरी हाई 10, 15, 18 इतना तक इंटरेस्ट भी होता है इसमें, ठीक है। पर डेबिट कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि आपने बोरो ही नहीं किया। क्लियर हो गया बेसिक क्या था क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का डिफरेंस क्या है, तो यही है। इसलिए ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अलग है। अगर आपको स्मार्ट कार्ड पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट कार्ड पर बनाऊँ। या कुछ और आपको टॉपिक चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।